स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरुण दत्त क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडियन रिवर्स। और ये जो इंडियन रिवर्स है, इसका ये जो लेक्चर मैं डाल रहा हूँ यूट्यूब पर, ये हिंदी में और इसके दो या तीन पार्ट्स में ये कंप्लीट होगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। और ये जो नोट्स है, ये मैंने मेड बाय हैंड्स है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो इंडियन रिवर, भारतीय नदियाँ। तो भारतीय नदियों को हम दो बेसिस पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। पहला, उत्तर भारत की नदियाँ या हिमालय की नदियाँ या फिर HRS हिमालय रिवर्स। सेकंड है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, जिसको हम इंग्लिश में, अंग्रेजी में पेनिसुलर बोलते हैं, पेनिसुलर रिवर्स। तो देखिए, हैंडमेड्स नोट है, तो जो यहाँ पर ये एक नदी लिखी हुई है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको। तो देखते हैं कैसे हम इनको डिवाइड करते हैं। तो जो उत्तर भारत की नदियाँ हैं, उसमें हमें थ्री सिस्टम पढ़ने हैं या तीन तंत्र पढ़ने हैं, गंगा रिवर सिस्टम, इंदस रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, या फिर रिवर सिस्टम को हम नदी तंत्र भी हिंदी में कहते हैं। सेकंड है, जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ है, पेनिसुलर है, इनको हम दो बेसिस पे देखते हैं। पहला, कि ये जो नदियाँ है बे ऑफ बंगाल में गिरती है, और सेकंड है अरेबियन सी में, ठीक है, यानी कि जो अरब सागर है हमारा, जो कि हमारा वेस्ट में है, हमारे इंडिया के वेस्ट में है, और जो बे ऑफ बंगाल है वो इंडिया के साउथ ईस्ट में है। तो देखते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अरेबियन सी है। तो ये जितनी आपको यहाँ पर रिवर्स दिख रही है, नदी दिख रही है, ये इनका क्या है, क्रम से है, यानी कि पर्टिकुलर इसी तरह से गिरती है। जैसे हम बात करें अगर साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये जो चार नदी है, ये कहाँ डलती है, खम्भात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। क्या है, खम्भात की खाड़ी, देखिए मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ है। तो साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ये कहाँ डालती है अपना जो जल है, वाटर है, कहाँ डालती है, खम्भात की खाड़ी, जो गुजरात के पास है, ठीक। इसके बाद मांडवी और ज्वारी, ये भी कहाँ डालती है, अरेबियन सी में, ये गोवा की है। इसके बाद गंगा वैली और शरावती, ये कर्नाटक की है, और भरतपुजा और पेरियार, ये केरल की है। उसके बाद एक लूनी बचती है, ठीक है, क्या बचती है, लूनी। लूनी का देखिए आप, लूनी को क्या कहते हैं, रेगिस्तान, लूनी को हम रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगिस्तान की गंगा। और इसकी जो लेंथ है वो 320 किलोमीटर है। ये कहाँ गिरती है, कच्छ के रण में गिरती है, जो ये दलदली इलाका है कच्छ का, इसको अंतरवाही नदी भी हम बोल देते हैं लूनी को। तो लूनी को हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान की गंगा भी हम इसको बोल देते हैं। इसके बाद हमारा जो है, इधर आ जाते हैं हम, एक हम होता है हमारा पंचप्रयाग। क्या होता है, पंचप्रयाग। पंचप्रयाग का मीन्स है कि हमारे जो पवित्र स्थल है, ठीक है। तो ये कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पर ये सतोपत ग्लेशियर है, ठीक है, जो एस से मैंने शो कर रखा है, एस से जो मैंने शो कर रखा है यहाँ पर, वो क्या है, सतोपत ग्लेशियर है, ठीक है। और यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, क्या निकल रही है, जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ, अलकनंदा, ठीक है। और इसके राइट साइड में देखिए आप, थोली गंगा नदी है, नंदकिनी और पिंडार नदी है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, कि जब थोली गंगा सतोपत ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा नदी से मिलती है, तो विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। किसका, विष्णु प्रयाग का, ठीक है। यहाँ पर A4 मैंने शो किया है अलकनंदा, एंड D4 शो किया मैंने थोली गंगा। इसके बाद देखिए, नंदकिनी नदी जब अलकनंदा को क्या करती है, इसमें गिरती है, तो नंद प्रयाग का। इसके बाद अलकनंदा और P4 पिंडार नदी कर्ण प्रयाग का। इसके बाद इधर से देखिए, जो केदारनाथ ग्लेशियर है, इससे मंदाकिनी नदी निकलती है, और जब ये कहाँ होती है, अलकनंदा नदी में जब ये गिरती है, तो रुद्र प्रयाग का निर्माण करती है। और जब अलकनंदा नदी में ही ये भगरथी नदी गिरती है, तो क्या करती है, देव प्रयाग का।
तो ये हमारे क्या है, ये पांचों हमारे पंचप्रयाग है। इसके अलावा आप सभी को पता है कि यमुना और गंगा कहाँ मिलती है, प्रयागराज में, या जिसका पूर्व नाम इलाहाबाद है, और किसका निर्माण करती है, प्रयागराज का। एक तीसरी भी नदी है जो कि वहाँ से विलुप्त हो चुकी है। इसके बाद गंगा रिवर सिस्टम है, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था, उत्तर भारत की नदियाँ तीन हिस्सों में हमने इसको डिवाइड किया है। तो हमारा पहला क्या है, गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देखते हैं अब हम। तो गंगा का उद्गम स्थान गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से है, ठीक है। गंगा का जो उद्गम स्थान है वो कहाँ है, गोमुख के पास गंगोत्री ग्लेशियर से है। अब अगर हम गंगा की सहायक नदियों की बात करें, सहायक मीन्स जो कि इसमें आकर क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो मुख्य धारा मैंने बनाई है ये गंगा की मुख्य धारा है, ये जो है गंगा की मुख्य धारा है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, ये ऊपर की तरफ जितनी भी नदी मैंने बनाई है यहाँ पर, ये बाएं तट की सहायक नदी है, यानी कि जो बाएं तरफ से गंगा में गिरेगी, और ये जो दो नदी है ये दाएं तट की सहायक नदी है, दाएं तट की, ये जो दो है यमुना और सोन नदी, ये दाएं तट की सहायक नदी है, और ये सभी की सभी जो ऊपर देख रही है आपको, बाएं तट की सहायक नदी, बाएं तट की सहायक नदी, यानी इसको हम LBT भी कह देते हैं, लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, और जो राइट साइड की है उसको हम राइट ट्रिब्यूटरी भी बोल देते हैं। इसके बाद देखें यहाँ पर जो पहली सहायक नदी है गंगा की, जो सबसे पहले गिरती है वो रामगंगा, कहाँ से, उत्तराखंड से। इसके बाद गोमती, लेकिन गोमती से जस्ट पहले आप देखिए जो RBT जो दाएं तट की सहायक नदी है उसमें यमुना क्या होती है, गोमती से जस्ट पहले गिर जाती है। यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके बाद गोमती कहाँ पर, गंगा की मुख्यधारा में मिल जाती है। इसके बाद जो सोन नदी है वो पटना के पास क्या होती है, गंगा में मिलती है। अब ये तीन नदी है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये नेपाल से तीनों निकलती है, घाघरा, गंडक, कोसी, और कहाँ, गंगा की मुख्यधारा में आकर ये मिल जाती है। इसके बाद एक नदी बचती है महानंदा, जो कि वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। जो महानंदा है वो वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा में आकर मिल जाती है। इसके बाद देखिए एक जो गोमती नदी है ये, ठीक है, जो कि यमुना के जस्ट बाद में मिलती है, यमुना गोमती से पहले मिल जाती है, ये यूपी के पीलीभीत से निकलती है, जो पीलीभीत जिला है यूपी का, और फुलर झील से, जो हमारी गोमती नदी है फुलर झील से निकलती है और कहाँ मिल जाती है, गंगा में आकर मिल जाती है। इसके बाद ये गंगा है, और गंगा के ऊपर कुछ शहर हैं, जैसे सबसे पहले देवप्रयाग पड़ता है, अभी ऊपर बताया ऋषिकेश, इसके बाद हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना और कलकत्ता, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल में गंगा को दो नामों से जाना जाता है, नंबर एक भगीरथी, दूसरा हुगली। जो भगीरथी है वो गंगा की मुख्य धारा है, और जो हुगली है वो सहायक नदी है। गंगा की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। गंगा यूके, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल से निकलती है। सबसे कम ये झारखंड में, और सबसे लंबी ये यूपी से निकलती है, या यूपी में बह के निकलती है। इसके बाद गंगा भारत व बांग्लादेश में बहती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा भी कहते हैं, हम पद्मा ही कहते हैं, तथा ब्रह्मपुत्र को हम जमुना कहते हैं। जब जमुना और पद्मा बांग्लादेश में मिलती है तो मेघना नदी के नाम से अपना जल बे ऑफ बंगाल में गिरा देती है। गंगा को, इस लाइन को मैं एक बार और बता देता हूँ, गंगा भारत और बांग्लादेश में बहती है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं और ब्रह्मपुत्र को जमुना। गंगा को पद्मा, ब्रह्मपुत्र को जमुना। जब पद्मा और जमुना एक साथ मिलती है तो मेघना नदी के नाम से यह अपना जल बे ऑफ बंगाल में गिरा देती है।
ये कुछ यमुना की सहायक नदी है, ये मुख्य धारा यमुना की, इसमें चंबल, चंबल की सहायक नदी बनास, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की कुछ मुख्य सहायक नदी है। तो ये हमारा पहला पार्ट था, इसके बाद हम जल्दी ही दूसरा पार्ट भी इसका अपलोड कर देंगे। थैंक यू।